एक बार एक गधा घास खाकर लौट रहा था। रास्ते में उसे बाघ मिला। बाघ बोला, गधे भाई, हरी हरी घास खाकर लौट रहे हो? गधा तिनक कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है। बाघ बोला, भाई घास तो हरी ही होती है। गधा बोला, नहीं घास नीली होती है। दोनों में बहस होने लगती है। दोनों जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। बाघ कुछ बोलता उससे पहले गधा बोल पड़ा, वनराज घास नीली होती है लेकिन यह बोल रहा है कि घास हरी होती है। शेर बाघ की तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है, मैं बाघ को 1 साल मौन रहने की सजा देता हूँ। और गधे को वापस जाने के लिए बोलता है। फिर बाघ बोलता है, वनराज घास तो हरी ही होती है, फिर आपने गधों को क्यों बोला कि घास नीली होती है? शेर बोला, घास हरी ही होती है। मैंने तुम्हें सजा इसलिए दी है क्योंकि तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया है। तुम जानते हो वह तो गधा ही है, लेकिन तुम तो समझदार हो, फिर भी तुम मेरे पास इसका फैसला करवाने आए हो।